वेलकम टू ये पंकज 90 एजुकेशन। दोस्तों आप लोग को पता है कि 2021 नवंबर और दिसंबर के एग्जाम होने वाला है और नवंबर के एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जो ट्रिपल सी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और काफ़ी बार ये रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे पहली बार तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी होती है जो हमारे चैनल पर आपको मिलती है। तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? वह कौन सी केबल होती है जो इंटरनेट पर हाई स्पीड पर काम करती है? फाइबर केबल, कोसियल केबल, ऑप्टिकल केबल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला आपका क्या होगा, ऑप्टिकल केबल। क्या होगा आपका? ऑप्टिकल केबल जो होता है वह हाई स्पीड पर काम करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल केबल। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन से भी है। 50 रुपए की नोट का कलर होता है, जो 50 रुपए की नोट होती है उसका कलर होता है स्टोन ग्रे, ब्लू ग्रीन, फ्लोरोसेंट ब्लू, लाइट येल्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला आप सभी लोग को पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरोसेंट ब्लू। जो नई आपकी नोट निकली है इन सब की बात हो रही है, ना कि जो पहले की नोट है उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करा आरटीजीएस की अधिकतम लेन देन सीमा है, जो आरटीजीएस होता है उसकी अधिकतम लेन देन सीमा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आरटीजीएस में जो लेन देन की सीमा होती है वो क्या होती है, कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, नेफ्ट शुरू हुआ, जो नेफ्ट है वह कब शुरू हुआ था? 2010, 2020, 2006, 2005 में। तो नेफ्ट की शुरुआत सबसे पहले किस सन में की गई थी, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि नेफ्ट की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, 2005 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पेड कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे आपको टैली का कोर्स करना है जिसकी सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी कंपनी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और वो सर्टिफिकेट आपको स्पीड पोस्ट से आपके घर पर जाता है, ठीक है। भीम ऐप के द्वारा एक दिन में रुपये भेज सकते हैं 20,000, 50,000, 30,000, 40,000। जो भीम ऐप होता है उसके जरिए आप एक दिन में कितना रुपया भेज सकते हैं, पूरे 24 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना भेज सकते हैं आप, आपसे पूछा जा रहा है, तो 40,000, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस समय कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है, प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर की पीढ़ी है वह टोटल कितनी है? 2, 3, 4, 5। टोटल पीढ़ी कितनी है, 5 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, IPv6 कितने बिट का होता है, जो IPv6 होता है वह कितने बिट का होता है, 32, 40, 36, 128। तो इसके बारे में आपको बताना है, IPv6 कितने बिट का होता है, 32, 40, 36, 128। ये क्वेश्चंस पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। तो IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, कितना होता है, 128 बिट का, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती है, जो TCP/IP मॉडल होता है इसकी लेयर होती है जो, उसमें कितनी लेयर होती है, 4, 3, 8, 5। तो कितना लेयर होता है, 8 लेयर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हम लोग। पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा, सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा
आई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। जावा, सीएससी, कोबोल, फोर्ट्रान, सबसे पहले जो है कौन सी भाषा आई थी प्रोग्रामिंग, तो फोर्ट्रान आई थी। कौन सी आई थी? फोर्ट्रान। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे अमेजॉन द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा का नाम है, जो अमेजॉन ने किस क्लाउड सेवा को प्रदान किया है? ACC, ACS, AWS, इनमें से कोई नहीं। तो अमेजॉन द्वारा जो प्रदान की क्लाउड सेवा वो क्या है? AWS। क्या है? AWS। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहते हैं? जो स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? पिक्सेल, एलिमेंट, सेल, पॉइंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो क्या होगा आपका? पिक्सल होगा। क्या होगा? पिक्सल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं? डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं? क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल हटा सकते हैं, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, मैक ओएस, लिनक्स, विंडो, ऊपर के सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऊपर के सभी। क्या होगा? ऊपर के सभी। ठीक है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो पहला प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो डिजिटल था? ठीक है, यूनिवेक, एडीएक, एडीएक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है आपका? एनियक रहता है। क्या रहता है? एनियक रहता है, इसमें है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई पूछे कौन सा है तो आप सिंपल से बताएंगे एनियक। कौन सा है? एनियक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कितने बिट का होता है? 6, 12, 7, 10। तो कितने बिट का होता है? 7। कितने बिट का होता है? 7। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक URL में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? जो एक URL होता है उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 255, 3000, 2048, 20500। तो एक URL में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 2048 कैरेक्टर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 500 रुपये के नोट का कलर होता है, जो 500 रुपये की नोट होती है उसका कलर होता है ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, स्टोन ग्रे। तो यहाँ पे जो 500 की नोट होती है उसका कैसा कलर होता है आपको पता होना चाहिए, स्टोन ग्रे होता है। क्या होता है? स्टोन ग्रे। ठीक, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप लगी होती है, ट्रू या फॉल्स? क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप लगी होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ट्रू होगा, बिल्कुल लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? जो माइक्रोफोन होता है वह आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार सारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।